हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ट्यूशनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 मैथ्स वाओ मैथ्स की बात करेंगे। वाओ मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 3 की हम लोग बात करेंगे। तो पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग शायद 9 के आसपास कुछ पार्ट गिवन है। ये हम लोग देख लेते हैं कितने पार्ट है इसमें। तो ये हमारे हैं 8 पार्ट्स की हम लोग बात करेंगे। इसमें टोटल मिला के 8 पार्ट्स हैं। तो आइए, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्ट करते हैं। और आज दिवाली फेस्टिवल, तो आप सभी को विशिंग यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल माई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर, आपके फ्रेंड्स, सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली क्लासेस के यूट्यूब चैनल के परिवार की तरफ से, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को डिवाइड करना है, क्वेश्चन बताना है। तो देखिए, डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं, 9a + 2 से डिवाइड करना है किसको, 81a² - 4 को। ध्यान से देखिए, एक बार यहां देखिए 81a² लिखा है, आप लोग कितना लिखेंगे, 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। तो 9, अच्छा 9 जा होगा, ठीक है, 9 जा हो जाएगा स्टूडेंट, 9 जा कितना हो गया 81, a की a में a स्क्वायर, बात समझ में आ गया क्या, 2 9 जा कितना हो जाएगा प्लस का 18a, क्या जाएगा 2 9 जा 18a प्लस का, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस का 18a और माइनस का 4 स्टूडेंट हमने क्या किया, नोट कर लिया। देखिए ध्यान से ना, ये माइनस का साइन है सर, यहां पर भी माइनस लगाएंगे, देखिए यहां 18 है और यहां कितना है 9, तो कितना आ जाएगा सर, यहां पर 2 आ गया सर, 9 2 जा कितना हो गया 18a और प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। देखिए ध्यान से समझना आप लोगों को ये चीज, है ना, देखिए ध्यान से क्या समझना, 9 2 जा 18 किया हम लोगों ने, ये तो ऊपर से नोट किया तो माइनस का हो जाएगा ना, और 2 2 जा माइनस का, देखिए ये कैसा हो जाएगा सर प्लस, यानी ये माइनस ये प्लस कैंसिल सर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो कैंसिल। तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ गया सर 9a - 2 ही क्या आप लोगों का क्वेश्चन है। बी पार्ट पे आ जाइएगा, क्या करना है सर, एक्स माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको, 9x² - 36 इसको डिवाइड करना। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां 9 है तो सर यहां 9 लिख लीजिएगा, सर यहां x² है, यहां पर x है तो कितना लिख दीजिएगा x, तो x की 9x में कर दिया 9x² और 2 9 का कितना हो गया 18x हो गया, कितना हो गया 18x माइनस के हिसाब से, देखिए यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। अब कितना लिखेंगे सर, सर 18 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया सर 18x और माइनस का कितना 36, कैसा साइन आएगा वहां, इस नंबर को देख करके सर प्लस का साइन आएगा, ये हमें पता चला सर, और यहां पर सर 18 है तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, x की तो x की 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा सर, 2 की 18 में करेंगे तो सर माइनस का 36, समझिए आराम से, ये माइनस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 0 आ गया, तो क्वेश्चन कितना आ गया 9x + 18 क्या आ गया आपका आंसर। हम लोग बी पार्ट का भी एक बार आंसर डी चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर आ क्या रहा है, उसके बाद हम अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। यस बिल्कुल, 9x + 2 आंसर दे रखा है ब्रैकेट में, तो आप क्या करेंगे यहां से 9 को कॉमन ले लीजिएगा, तो x + 2 ही क्या आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी जैसी मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। ये हमारे बी पार्ट हो गए। तो जो भी बच्चे हमारे तिवारी क्लासेस पे जो भी जुड़े हुए हैं रेगुलर, उन सभी को तिवारी क्लासेस की तरफ से दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये हिंदुओं का जो जो भारतीय पर्व है ये हमारा। चलिए तो आगे हम अपने इसके सी पार्ट पर, सी पार्ट भाई हम लोग देखते हैं क्या गिवन है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो चलिए सी पार्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या गिवन है क्वेश्चन में। सी पार्ट क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, चलिए आराम से देखिए, बहुत ही लंबी श्रृंखला होती है हमारी हिंदू फेस्टिवल की जो होती है, और इसमें दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, हम सारे के सारे त्योहार हमारे इसी में चलते हैं, लगभग 7 से 8 दिन हमारा जो त्योहार वाले चलते हैं 6 दिन। चलिए आइए हम लोग सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट है आप लोगों का 2p²
-44p प्लस 234 डिवाइडेड बाय p माइनस 13 कितना जाएगा, p माइनस 13 आ गया। देखिए अभी से नोट कर लेते हैं, ये देखिए ध्यान से देखना तुमको, तो क्या करना है सर, p माइनस 13 से डिवाइड करना है किसको सर, तो 2p स्क्वायर माइनस का 44p और प्लस में 234 इसको डिवाइड करना है। देखिए ध्यान समझना है, p की 2p यानी कितना जाएगा 2p, तो p की 2p में कर दी कितना आ गया स्टूडेंट 2p स्क्वायर, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26p, कितना हो जाएगा 26p। देखिए ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, देखिए 44 26, तो 14 में से 6 गए कितना जाएगा 8 आ गया, कितना जाएगा 8। अब देखिए यहां पर 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1। अब साइन कैसा आएगा ध्यान से समझना, माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 44 क्या है यहां पर बड़ा है इन कंपैरिजन 26 के, ओके। और यहां पे 234 है, कितना है 234 हम लोगों ने ऐसे नोट कर, बात समझ में आ रही है सभी के। अब यहां पर सर लिख दीजिए कितना माइनस का 18p, कितना आ जाएगा 18p, क्यों आया आप देखते रहिए, सॉरी 18 लिख दीजिएगा, कितना लिख दीजिएगा 18, देखिए p की 18 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 18p आ जाएगा, और 18 में मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 3 जा हो गए 54, कैरी कितना हो गया 5, 18 वर्जा 18, 18 और 5 23, कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे क्या हुआ ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा 2p माइनस 18 क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन, अगर बुक वालों ने इसे कॉमन लिया तो आप लोग इसको ये लिख सकते हैं, ओके। चलिए तो आइए हम लोग बी पार्ट नोट कर लेते हैं, आप लोगों को गोले पटाखों की आवाज यहाँ आ रही होगी क्योंकि गोले पटाखे बहुत ही बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं, सब अपने घरों में लगा रहे हैं। चलिए आप लोगों ने सी पार्ट इसका नोट कर लिया होगा, अब बी पार्ट नोट कर लिया होगा, अब इसके डी पार्ट में चलते हैं, एक बार सी पार्ट का इसका आंसर नोट चेक कर लेते हैं एक बार कितना आ रहा है, 5.3 का थर्ड का सी पार्ट का आंसर आ रहा है आप लोगों का 2p-18। देखिए जब पहले हमने ये आंसर लिखा तो बुक वाले 9 कॉमन ले लिया, जब हमने ये लिखा तो दोनों आपके एक्यूरेट आंसर है, आप लोग ऊपर वाले का भी लिख सकते हैं और नीचे वाले का भी लिख सकते हैं, हमने तो इसलिए लिखा कि आप मान लीजिए बुक वालों का ये आंसर ना हो तो आप लोग दोनों आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके एकदम एक्यूरेट है। चलिए आ गए हम इसी के डी पार्ट की तरफ, डी में हमसे क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज तिवारी मैथ्स क्लासेस को शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, जो छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं चैनल को। चलिए आ गए हम इसी के क्वेश्चन पे, इसी के डी पार्ट पर आ गए, थर्ड का डी पार्ट 5.3 थर्ड का डी पार्ट का दीजिए, एक्स क्यूब क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 8x और डिवाइड करना किससे, एक्स माइनस 4 से, एक्स माइनस 4 से इसको क्या करना है डिवाइड करना, ये देखिए आराम से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, तो एक्स माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 8x इससे डिवाइड। आइए यहां देखेंगे ध्यान से कितना लिखा स्टूडेंट, एक्स क्यूब है, यहां कितना लिखा एक्स, तो कितना लिखेंगे आप यहां पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की एक्स स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, जब फोर की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस है, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए अब ऊपर माइनस का 6x स्क्वायर है, नीचे 4x स्क्वायर, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का कितना लिख दीजिएगा 8x। बात समझ में आ गई क्या, मैंने आपसे पहले ही कहा यहां वाले नंबर को ध्यान से देखना, यहां माइनस है तो यहां भी क्या लगाएंगे आप माइनस, यहां पर 2 है, यहां पर सिंगल x है तो यहां पर कितना माइनस का 2x लगाएंगे आप। अब x की जगह 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और x की 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, 4 2 जा माइनस का कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर ये प्लस है माइनस है तो, और ये प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, 2x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया रिमाइंडर, तो क्वेश्चन का कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 2x,
ये भी आंसर हो सकता है बुक में, और बुक वालों का क्या भरोसा, वो एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, तो एक्स माइनस टू भी हो सकता है। आप लोग अपनी बुक में आंसर चेक कर सकते हैं, जो भी आंसर हो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए तो हम आगे अपने ई पार्ट की तरफ। ई में हमसे क्या कह रहा है उसको देख, एक बार आंसर भी रीचेक करा देते हैं हम आपको। ये था आपका डी पार्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ऊपर वाला आंसर की भी ने, तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं और ये भी, आपकी मर्जी है। ओके चलिए ई पार्ट पर आ गए हम अपने। ई पार्ट में हमसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। डी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, आगे हम अपने ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट आइए करते हैं हम लोग। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देंगे वीडियो का, इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर एक चीज का हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन। आप लोग वहां पे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ लो फेसबुक पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस का, वो भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आए हमने कौन से पार्ट पर, ई पार्ट देखते हैं। अब इसका ई पार्ट देखे क्या कह रहा हूं, ई पार्ट में लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 132x, 132x डिवाइड करना है आपको x माइनस 11 से। x माइनस 11 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आइए देखते हैं इसको करते हैं हम लोग डिवाइड। तो आइए x माइनस 11 लिख देंगे। देखिए इसका तो मार्कर का कलर ही चेंज हो गया, दूसरा चेंज करते हैं। आइए देखिए x माइनस 11 है और डिवाइड करना किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132 है। ये है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ, एक्स क्यूब लिखा, यहां कितना लिखा एक्स, तो यहां पर कितना लिखेंगे आप, यहां पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, 11 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 11x स्क्वायर। ओके ये प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या जाएगा प्लस, इससे पूरा पूरा ये क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हुआ। बात समझ में आ रही होगी सभी के, आराम से नोट करते रहेंगे। 11 भी प्लस का, ये भी प्लस का, 11 ओवर कितना हो जाएगा सर 12x स्क्वायर हो गया सर, माइनस का 132x, हमने सेम टू सेम नोट कर लिया। देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं, आप लोगों ने डिवाइड के क्वेश्चन करे हैं अब तक करते आए, बिल्कुल वही है, एलजेब्रिक हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर लिखा 12x स्क्वायर, यहां कितना लिखा है x, तो यहां पर आप कितना लिखेंगे सर प्लस का 12x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12x। देखिए ध्यान से x की 12x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 12x स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपके, माइनस प्लस सर माइनस हो जाएगा, 11 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 132x आ जाएगा, क्योंकि 12 बन जाए 12, 12 का 2 कैरी 1 और 12 बन जाए 12 और 1 13। अब ध्यान से यहां समझिएगा, ध्यान से ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर आया 0 और क्वेश्चन आपका कितना आ गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 12x क्या आ गया आपका आंसर आ गया, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ईच क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है। आगे हम कौन से पार्ट पर, अपने एफ पार्ट पर, और एफ में हमसे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। पहले हम आपको एक बार इसका आंसर चेक करा देंगे, क्योंकि ये ई पार्ट था आपका और थर्ड का ई पार्ट, ई का आंसर आप लोगों को गिवन है, यस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ चुका है, आराम से आप नोट कर लेंगे ई पार्ट, और डी आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसके चलते हैं कौन से पार्ट पर, एफ पार्ट पर आ गए हम। चलिए एफ पार्ट हम लोग अब नोट कर लेते हैं, सभी ने नोट कर लिया होगा ई पार्ट, डी आप सभी ने नोट कर लिया होगा, एफ पर आ गए हम। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पर हमको मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग, और चैनल को फॉलो कर लेंगे तिवारी मैथ्स क्लासेस, और इंस्टाग्राम हमारा टेलीग्राम पेज है वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चलिए एफ पार्ट पर आ गए, जो भी आपकी क्वायरी होती है आप टेलीग्राम पर हम लोगों को भेज सकते हैं, तिवारी मैथ्स क्लासेस का जो टेलीग्राम पेज है। चलिए एफ पार्ट देखिए, हम एफ पार्ट है हमारा 3x³ प्लस 6x² माइनस 5x माइनस 10, ये आपका है एफ पार्ट, और डिवाइडेड बाई x प्लस 2, इससे डिवाइड करना है आपको x प्लस 2 से, आपको क्या करना है डिवाइड करना। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए करते स्टार्ट, तो x प्लस 2 से आपको डिवाइड करना 3x³ प्लस 6x² माइनस 5x माइनस 10। आइए देखिए ध्यान से समझते चलेंगे, एक पॉइंट हम लोग यहां पर कितना है सर 3 है, तो पहले सर 3 ही लिख देंगे, एक्स क्यूब है यहां पर, यहां पर x लिखा हुआ तो कितना लिख देंगे x स्क्वायर लिख देंगे, और x की 3x² मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3x, कितना आ जाएगा 3x³ आ गया। देखिए ध्यान से,
अब टू की थ्री में करेंगे तो सर टू थ्री जा सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी शायद, मुझे लगता है सभी की आ गई होगी। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे, एक्स के थ्री एक्स में करी तो थ्री एक्स स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, टू की थ्री में करी सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया। ये यहां पर प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब इस नंबर को आप सेम टू सेम डिक टू नोट कर लेंगे, माइनस का तीन टेन। ओके, माइनस का साइन देखते ही आप समझ गए कि सर यहां पर तो माइनस आएगा। यस, बिल्कुल माइनस आएगा। अब ध्यान देना है कि एक्स की जब आप लोग माइनस फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, माइनस का फाइव एक्स आएगा। बिल्कुल सर, और प्लस माइनस माइनस और टू फाइव का टेन आ गया सर। अब ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना रिमाइंडर जीरो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी में तो क्वेश्चन कितना आ गया सर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, यही क्या है आपका आंसर है। एफ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। आंसर हम आपको एक बार चेक करा देंगे इसका क्या आ रहा है, चलिए आंसर देख लेंगे एक बार एफ पार्ट का। और ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड का एफ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, बिल्कुल राइट आंसर आ गया हम लोगों का। चलिए चलिए, तो अब हम आ गए अपने एफ पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए अपने सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ, जी पार्ट पर हम आ गए हैं। और आज तो आप लोगों को वीडियो भी कुछ शोर शराबा नजर आ रहा होगा, यहाँ क्या कर सकते हैं, किसको रोक सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आज तो दिवाली है और सब यहाँ पर गोले पटाखे जगाने की आप लोगों को जो वॉइस आ रही है उसके लिए सो सॉरी स्टूडेंट्स। अब त्योहार है तो आप लोगों को समझाना है, क्वेश्चंस भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस किया कि आप लोगों को पर डे एक वीडियो आप लोगों को मिलेगी। चलिए, एफ हो गया, जी पार्ट पर हम आ गए अपने। तो जी पार्ट में लिखा है यहां पर एम एन एम प्लस फाइव और एन माइनस फोर डिवाइडेड बाई एम एन माइनस फोर एम माइनस फोर एम। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है आपका क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्म हम लोग लिखते कैसे, क्वेश्चन को फॉर्म बनाते हैं। ये देखिए एम एन एम प्लस फाइव और एन माइनस फोर, क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं ना। अब कितना आ जाएगा एम एन माइनस फोर एम, ये है क्वेश्चन। देखिए तो जो कॉमन आ रहा है नीचे से उसको कॉमन भी ले सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों भाई, एम प्लस फाइव और एन माइनस फोर, नीचे क्या कॉमन आ रहा है सर, एम आ रहा है तो सर एम को कॉमन ले लिया हमने, कितना आ गया एन माइनस फोर। एम से एम क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हुआ। ऊपर क्या बचा सर एन, अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एम की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एन माइनस फोर में। ठीक, फिर फाइव की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एन माइनस फोर में। ध्यान से समझना है, पहले एम की मल्टीप्लाई एन माइनस फोर में, फिर फाइव की मल्टीप्लाई एन माइनस फाइव। नीचे जो लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे n माइनस फोर, तो n तो ऐसे ही लिख दीजिएगा अभी m n 4m 5n 4 5 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 अपॉन में n माइनस फोर। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है इसमें, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n की मल्टीप्लाई भी करनी होगी भाई, n की क्या करनी होगी मल्टीप्लाई भी करनी होगी। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, पहले इसको अपन यहां से हमको रफ करना होगा, देखिए क्योंकि पार्ट ये थोड़ा बड़ा है। और एक बार हम क्वेश्चन भी रीचेक कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि डिफरेंट है बहुत ज्यादा ये। तो क्वेश्चन है एम एन एम प्लस फाइव एन माइनस फोर डिवाइड एम एन फोर एम, यही है क्वेश्चन, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब n की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, देखिए ध्यान से, तो कितना हो जाएगा एम एन स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n की एम एन में करिए एम एन स्क्वायर माइनस का 4m n, ओके 5n स्क्वायर प्लस का 5n स्क्वायर हो जाएगा, कितना जाएगा 5n स्क्वायर, देखिए ओके। फिर n की 20 में करेंगे तो माइनस का 20n,
और अपॉन में कितना है n माइनस 4, ये आपका क्वेश्चन बना। अब आपको करना क्या है सर, सर इनको थोड़ा हम लोग फॉर्म बना देंगे क्वेश्चन की, कैसे 5n स्क्वायर माइनस का mn स्क्वायर, देखिए प्लस का कितना mn स्क्वायर, माइनस का 4mn और माइनस का 20n और अपॉन में n माइनस 4। अब डिवाइड करेंगे, देखिए n माइनस 4 तो 5m स्क्वायर प्लस का mn स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना है आपका 4mn और माइनस का 20n, 20n। आइए देखिए तो 5m स्क्वायर लिखा है यहां पर, क्या लिखा है सॉरी 5n स्क्वायर, सॉरी कितना है n स्क्वायर, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, यहां पर 5n आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5n, तो n की 5n में मल्टीप्लाई जब आपने करी तो कितना आ गया सर, सर यहां हमारा आ गया कितना 5n स्क्वायर, जब 4 की 5 में करी, 4 की 5 में करी तो कितना 4 5 20n, 4 5 20n, देखिए ये माइनस का 20n। देखिए हमने आप लोगों को लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पढ़ाया था, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उनको लाइक टर्म कहते हैं, जिनके डिफरेंट होते हैं उनको अनलाइक टर्म। तो हमने लाइक के नीचे लाइक लिखा, देखिए आप लोग सब देख भी रहे होंगे, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस, इससे ये वाला कैंसिल स्टूडेंट और इससे ये कैंसिल हुआ, तो जो बच्चा स्टूडेंट उसको नोट कर लेंगे mn स्क्वायर और माइनस का 4mn हमारा बचा यहां पर। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, तो यहां पर mn स्क्वायर लिखा है, यहां पे 4mn लिखा है, तो एक बात तो स्टूडेंट हमारी क्लियर हो गई, क्या क्लियर हुई कि हम लोगों को यहां पर 4 हमें m लेना होगा, क्या लेना होगा माइनस का mn, क्या लेना होगा माइनस का mn, क्या लेना होगा माइनस का mn, तो 5n माइनस mn। अब देखिए n की जब mn में करी हमने, n की mn में करी तो mn स्क्वायर हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर ये प्लस का है तो ये भी कैसा होगा स्टूडेंट, ये भी प्लस का होगा, देखिए mn और माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 की mn करी तो 4mn हो गया, क्वेश्चन भी आपका लगभग कंप्लीट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से कैंसिल हुआ, ये जीरो हो गया। अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो कितना हो गया 5n प्लस mn। अब बुक में क्या है मुझे नहीं पता, अभी हम लोग चेक कर लेंगे, तो 5 प्लस m भी आंसर आ सकता है, दोनों आंसर आ सकते हैं बुक में। ये कब आएगा जब हम लोग n को कॉमन ले लेंगे, एक बार हम लोग आंसर ही चेक कर लेंगे उसके बाद हम लोग अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं, एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या रहा है, थर्ड का f पार्ट हो गया, यस n m प्लस 5, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, यही आपका आंसर है। और बुक वाले इसको कैसे लिख दिए भाई, m को पहले लिख दो और 5 को बाद लिख दो, यहां भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग इसको आराम से नोट करेंगे g पार्ट को, हम चलेंगे अपने लास्ट पार्ट की तरफ h पार्ट में, और देखते हैं h पार्ट में हमको क्या गिवन है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, आप लोगों को बहुत सारी चीजें हमने जैसे पहले भी बताई कि मैथ्स की कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग कंपेयरिंग ना करें, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, और जब तक मैं इसका पार्ट नेक्स्ट नोट कर लेता हूं क्या दिया हुआ आप लोगों को बुक में, एच पार्ट हम लोगों को क्या गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, चलिए एच पार्ट हम लोगों को क्या गिवन हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। कभी भी मैथ की कंपेयरिंग अदर सब्जेक्ट से ना करें, और मैथ्स का आप लोग रट्टाफिकेशन, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से रट्टाफिकेशन ना करें, अगर कहीं आपके टीचर ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया तो आप लोग प्रॉब्लम में फंसेंगे, और प्रॉब्लम में फंसने का मतलब यह कि अगर आप लोग एक बार मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन अच्छे तरीके से करें, और कभी भी अगर टॉपर बनना है तो हमेशा सभी से डिफरेंट चलना है, क्योंकि जिधर भीड़ चलती है हम लोगों को भीड़ से हटके चलना है, अगर आप लोग भीड़ में चलते तो एक आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं और उस भीड़ में आपकी पहचान उसी भीड़ में छिप जाती है, अगर आप लोग एक अलग रास्ते पे चलते हैं, अलग वे पे चलते हैं तो आप अलग से पहचान में आते हैं। तो हमेशा अपने कभी भी एक डिफरेंट तरीका अपनाएं हर एक चीज को करने के लिए। चलिए आगे हम लोग एच पार्ट पे, इधर का पार्ट आप सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम इसको रफ करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन का, बहुत ही जल्द आप लोगों को इसका फोर्थ पार्ट भी मिल जाएगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं उस पार्ट को भी, क्योंकि ये हमारा चला है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करी, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी है, पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की बात करेंगे। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक्स माइनस 1 को डिवाइड, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना किसको, एक्स की पावर 4 माइनस 1। आइए देखिए यहां पर कितना लिखा सर, एक्स की पावर 4, यहां कितना लिखा सर एक्स, यहां पर सर कितना आएगा एक्स क्यूब,
तो x की x क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया x की पावर 4, 1 की x क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना आ गया माइनस का x क्यूब, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये क्या हुआ स्टूडेंट कैंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है, टिक लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट लिख देंगे आप लोग इसको। क्या आ जाएगा सर x क्यूब आ गया यहां प्लस का और ये क्या आ गया सर माइनस का 1। बात समझ में क्लियर आ गई आपके सभी के, यहां पर x क्यूब है यहां पर x है तो सर क्या आ जाएगा सर प्लस का x स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो हाँ x की x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट x क्यूब, और 1 की जब आप x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का क्या आ गया x स्क्वायर। देखिए ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं 8th क्लास के, ये सभी आपको 9th क्लास में मिलने हैं, 100% श्योर आपको मिलेगा। पॉलीनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कहीं भी मिल सकता है। तो ये देखिए यहां प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, देखिए इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा सर x स्क्वायर और सर यहां पर हमारा माइनस का 1 हमने नोट। बात समझ में आ गई, यहां पर x स्क्वायर है यहां पर x है तो सर यहां पर आप लिख दीजिए प्लस का x, सर x की x में मल्टीप्लाई कर दी x स्क्वायर, माइनस 1 की सर x में कर दी तो माइनस का x आ जाए, सॉरी 1 की x में कर दी तो माइनस का x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x आ गया सर। ये देखिए माइनस, क्योंकि माइनस प्लस है तो माइनस, ये सर माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, क्या बचा सर x माइनस 1 आ गया, क्या आ गया सर x माइनस 1, क्योंकि x प्लस का हो गया और 1 माइनस का, इस x किया है तो यहां पर क्या लिखेंगे सर प्लस का 1, x की 1 में करी तो सर x आ जाएगा, माइनस प्लस है माइनस और 1 बन जा 1, देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो सर प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 0। अगर क्वेश्चन की बात करें तो कितना आ गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1, यही क्या है आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ, मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूं, यहां देखेंगे ध्यान से आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं जब तक इस तरफ का। पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी, पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 2 की बात करी, पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन 3 की बात करी और पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की बात करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन के पार्ट ज्यादा होते हैं तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज्यादातर आप लोग लैपटॉप और मोबाइल के सामने नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ी शॉर्ट करी हम लोगों ने वीडियो, क्योंकि पहले बहुत लेंथी वीडियो हो गई थी, कई एक घंटे की, कई डेढ़ घंटे की, कई 2 घंटे की हो गई थी, तो अब हमने उसको शॉर्ट लेवल में ले आए जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हर क्वेश्चन का पार्ट हमने अलग किया है। एक बार दोबारा से तिवारी क्लास के यूट्यूब चैनल की तरफ से हमारा जो त्योहारों का ये महापर्व चल रहा है, जो कि हमारा धनतेरस से शुरू होता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भैया दूज, गोवर्धन पूजा, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली क्लास की तरफ से। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। और दिवाली पे जो आप लोग पटाखे छुड़ाएंगे बहुत ही सेफ्टी के साथ, यहाँ छुड़ाना है आप लोगों को, है ना, और पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए और बहुत मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने टीचर्स का आशीर्वाद लें, अपना अपना परिवार के इस दिवाली आपको ध्यान रखना है। तिवारी क्लासेस आपके साथ है और तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक पार्ट 4 हम लोग अपलोड करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली विद ऑल माय स्टूडेंट्स एंड विद ऑल तिवारी क्लासेस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट, गुड बाय टू ऑल, विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली।